अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास सिक्स की टीचर। स्टूडेंट्स, हम अपना सिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे अर्ली पाकिस्तान, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अर्ली पाकिस्तान में हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने सारा, आपको याद होगा इसी पिछले वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा पढ़ा था, उसमें जो एक आर्टिफिशियल हिल है उसके बारे में, उसकी जो स्ट्रीट्स हैं उन सारों के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक है, पेज नंबर 77। टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ क्लॉथ हैव बीन फाउंड शोइंग दैट द पीपल न्यू हाउ टू ग्रो कॉटन एंड टू वीव क्लॉथ। यहाँ पर कुछ कॉटन के कपड़े के पीसीज मिले, जिससे ये पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो कॉटन उगाना जानते थे और कॉटन से कपड़ा बुनना भी जानते थे। ठीक है, दे हैड ऑलमोस्ट नो मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड अ लिटिल कॉपर एंड ब्रोंज एंड द फ्यू मेटल्स टूल्स दैट हैव बीन फाउंड आर नॉट वेरी स्किलफुली मेड। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग थे वो मेटल का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं जानते थे। यहाँ पे कुछ मेटल ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा बहुत मेटल की चीज़ें मिली हैं जिसमें कॉपर गोल्ड और ब्रोंज की चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें मिली हैं वो कोई बहुत ज़्यादा महारत के साथ नहीं बनी हुई। ठीक है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग जो है मेटल ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। वुड एंड स्टोन वर यूज फॉर मोस्ट थिंग्स, लकड़ी और पत्थर की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और इन्हीं से बनी हुई चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। दे डू नॉट सीम टू हैव इन्वेंटेड मनी एंड वी थिंक दैट द पीपल वर पेड बाय द गवर्नमेंट इन ग्रेन एंड अदर फूड। दे हैड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ राइटिंग बट नो वन हैज येट बीन एबल टू रीड इट एंड द वर्ड्स यूजुअली अपियर्ड ऑन क्ले सील्स। अच्छा जी, वहाँ पे जो वाक़ियात मिली उनसे ये पता चलता है कि ऐसे जो उन्होंने मनी के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते थे, उस ज़माने में मनी नहीं होती थी या उन्होंने मनी ईजाद नहीं की थी। ठीक है, और ये ख्याल किया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ उन्हें मिलता था तो उसमें ग्रेन और फूड की जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें होती थी जो कि उनको दी जाती थी, और इसके अलावा उनकी जो राइटिंग थी या वो जो उनकी जो लिखाई थी वो भी बहुत सिंपल थी। ये देखिए आप, यहाँ पर हमें ये एक सील मिली है जिसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो कि आजकल के दौर में कोई भी इस काबिल नहीं है कि इनकी इस राइटिंग को पढ़ सके। और ये जो कुछ इनकी राइटिंग की भी चीज़ें मिली है वो वहाँ के जो सील्स वगैरह की जो चीज़ें हैं, मोहरें हैं, वो उनके ऊपर ये इस तरह की राइटिंग मिली है, बट इसे कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में यहाँ पर ये एक आप देखें, ये वहाँ पर मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ एक मॉडल है, या आप खिलौना समझ लें जो भी है। और ये ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो की जो चीज़ें हैं वो आजकल हमें दिखाई नहीं देती। ये देखें, आजकल के दौर में भी इसी तरह से बैलगाड़ी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक और पिक्चर है, ये भी वहाँ से मिली है। दिस स्टैचू वॉज फाउंड एट मोहनजोदड़ो, इट मे बी दैट ऑफ प्रीस्ट। कहा यह जाता है कि ये जो स्टैचू मिला है हो सकता है कि ये वहाँ पे किसी उनके मजहबी रहनुमा का है। ठीक है, अच्छा जी, अबाउट 2000 BCE सम डिजास्टर सीम हैव टू स्ट्रक मोहनजोदड़ो। व्हेन द हाउसेस फेल डाउन दे वर रीबिल्ड इन मच रफर वे एज इट इफ पीपल डिड नॉट केयर एनी मोर। 2000 साल पहले जो है वहाँ पे कोई ऐसी आफत आई मोहनजोदड़ो में कि जिससे वहाँ के सारे घर जो हैं वो गिर गए। ठीक है, और उन्हें बाद में बनाया भी गया, लोगों ने बनाया, लेकिन बाद में जो उन्होंने आसार से पता चलता है कि उन्होंने जो बाद में इसको रिबिल्ड किया है तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया, और बाद में न्यू वॉल्स डिवाइडेड रूम सो दैट मोर फैमिलीज कुड क्राउड इन टू ईच हाउस। द स्ट्रीट वर नॉट रिपेयर्ड, द ड्रेनेज सिस्टम वॉज ब्लॉक्ड अप। इसके अलावा जब उन्होंने इसको रीबिल्ड किया तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो इनके रूम्स थे उनको उनमें दीवारें उठा दी ताकि ज़्यादा रूम, एक से दो रूम हो गए और ज़्यादा लोग जो है वो उसमें रह सकें। ठीक है,
इसके अलावा जब उन्होंने इसे रीबिल्ड किया तो उन्होंने गलियों को और वहाँ जो रोड्स थी उनको रीबिल्ड नहीं किया। इसी तरह उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो तबाह हो गया था, उसको उन्होंने दोबारा से सही नहीं किया। ठीक है, वी डू नॉट नो वाई ऑल ऑफ दिस हैपन, परहैप्स देयर वॉज अ क्लाइमेट चेंज दैट मेड इट मोर डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, और परहैप्स द रिवर चेंज इट्स कर्स। टुडे द रियूंस आर 5 किलोमीटर फ्रॉम द रिवर। इसके अलावा ये ख्याल ये किया जाता है कि कुछ पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था, वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था। ख्याल ये कि हो सकता है कि आबो हवा की तब्दीली हुई हो कि जिसकी वजह से क्रॉप्स नहीं उग रही हो, या ये भी हो सकता है कि वहाँ जो रिवर था उसने अपना रुख चेंज कर लिया हो, क्योंकि वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है रिवर से वहाँ पे कुछ आसार मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा ख्याल ये है कि ऑल द ट्रीज कट डाउन फॉर बर्निंग एंड बिल्डिंग। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने जो है तमाम दरख्त काट दिए हों ताकि उनसे वो बिल्डिंग्स बना सकें और जला सकें। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ क्लाइमेट चेंज आया हो। ठीक है, एंड द सॉयल वॉज वॉश्ड अवे इन सम ऑफ द अदर सिटीज ऑफ द इंडस एम्पायर। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द पीपल जस्ट लेफ्ट एंड द बिल्डिंग्स क्लैप्स। इसके अलावा लोगों का ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि यहाँ पे जो और इंडस वैली में जो इसके अलावा मोहनजोदड़ो के अलावा जो सिटीज थे उनमें ऐसा क्या हुआ, लोगों को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को भी ये बात समझ नहीं आती कि लोग जो है वहाँ पर से चले गए थे और वो सारी जो शहर था या वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी गिर गई थी। तो ये एक मिस्ट्री है मोहनजोदड़ो के बारे में कि कुछ पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ था कि लोग वहाँ से सारे के सारे चले गए और बिल्डिंग्स जो हैं सारी गिर गई, तबाह और बर्बाद हो गया पूरा शहर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड वर्क दूंगी मैं आप लोगों को। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर दिए जा चुके हैं और ये आज चूज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, और चूज द करेक्ट आंसर है ये आपके, ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा और कोशिश करें कि काम आपका अप टू डेट हो और बहुत नीट एंड क्लीन हो। और ये ट्रू फॉल्स हैं आपके, 5 ट्रू फॉल्स हैं। जी 5 ट्रू फॉल्स हैं। इसके अलावा एक नोट और है, जी स्टूडेंट ये मोहनजोदड़ो पे आप लोगों को एक नोट लिखना है। ठीक है, और इसको क्वेश्चन आंसर के साथ नहीं कीजिएगा, बिल्कुल अलग से कीजिएगा, इसी तरह से हेडिंग डाल के साफ सुथरा लिखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।